दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं आईपीसी का, वो है चैप्टर नंबर 8। और हमारे जो इसमें जो सेक्शंस इंक्लूड किए गए हैं, वो इंक्लूड किए गए हैं सेक्शन 141 से लेकर के सेक्शन 160 तक। तो हम चैप्टर स्टार्ट करें। चैप्टर है क्या? चैप्टर बात करता है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी को, जिसके बारे में अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो इसका मतलब होता है सार्वजनिक शांति। तो अगर कोई ऑफेंस हो रहा है जो अगेंस्ट है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी के, तो वो कवर किया गया है चैप्टर 8 में। चैप्टर 8 किसके बारे में बात कर रहा है? चैप्टर 8 बात कर रहा है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, यानी कि सार्वजनिक शांति को भंग करने के लिए जो भी ऑफेंस किया जा रहा है उसको हमने इसमें इंक्लूड किया है। किसमें? चैप्टर नंबर 8 में। और सेक्शन कौन कौन से हैं? सेक्शन 141 से लेकर के सेक्शन 160 तक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 141, अनलॉफुल असेंबली। तो अनलॉफुल असेंबली को अगर हिंदी में ट्रांसलेट किया जाए तो इसका मतलब ये होता है क्या? अनलॉफुल एंड असेंबली, यानी कि सभा जो कि लीगल नहीं है। तो ऐसी सभा को आयोजन करना, ऐसी असेंबली करना जो कि अनलॉफुल है, वो सेक्शन 141 में कवर किया गया। ये है क्या? देखिए, अनलॉफुल असेंबली सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया है कुछ एसेंशियल्स के साथ में, यानी कि एक असेंबली को, एक सभा को हम अनलॉफुल बोलते हैं अगर उसमें पांच से ज्यादा लोग शामिल हो। पहली बात क्या है? पांच या पांच से ज्यादा लोग शामिल। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर चार लोग हैं तो? बिल्कुल सही बात है, चार लोग हैं तो वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट नहीं हो सकते। या मैं बात करूं, अगर अनलॉफुल हटा दें, इसको असेंबली के बारे में बात करते हैं, तो असेंबली में क्या इंक्लूड किया गया? असेंबली में इंक्लूड किया गया पांच या पांच से ज्यादा लोग। तो मैंने फिर बोला चार लोग हैं तो, चार लोग हैं तो जो बिल्कुल भी वो असेंबली नहीं बनाएंगे, पांच होने ही चाहिए कम से कम। लिस्ट जो है वो पांच इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, पांच या पांच से ज्यादा लोग जो होंगे असेंबली को फॉर्म करेंगे। अब हमने इसमें इंक्लूड कर दिया असेंबली, ठीक है, पांच या पांच से ज्यादा लोग। एक और इंपॉर्टेंट चीज है कॉमन ऑब्जेक्ट, यानी असेंबली पांच से पांच से ज्यादा लोगों की, और उसके बाद में आता है कॉमन ऑब्जेक्ट। कॉमन ऑब्जेक्ट का मतलब जो पांच लोग इकट्ठे हुए हैं उन पांचों का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। यानी कि अगर ऑब्जेक्टिव पांचों के सेम नहीं है और आपस में झगड़ा भी करने लग गए हैं वो, तो वो असेंबली में इंक्लूड नहीं होगा। असेंबली कब होगी? जब उन पांचों का या पांच से ज्यादा का ऑब्जेक्टिव जो है सबका वो सेम है। तो अब उनमें बात करी असेंबली पांच या पांच से ज्यादा लोग, और उसमें कॉमन ऑब्जेक्टिव इनका होना जरूरी है, सबका ऑब्जेक्टिव एक होना जरूरी है। अब इसमें एक वर्ड इंक्लूड कर दिया गया अनलॉफुल। तो अनलॉफुल का मतलब जो कि लीगल नहीं है, ठीक है ना, यानी कि कुछ ऐसा काम हो रहा है जो कि लॉ के अगेंस्ट है, कानून के अगेंस्ट है, उसको हमने बोल दिया है अनलॉफुल असेंबली। अनलॉफुल मींस असंवैधानिक सभा, ठीक है। तो अब बात कर रहे हैं कि अनलॉफुल कैसे बनेगी। एक असेंबली में पांच से पांच से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए हैं, सबका ऑब्जेक्टिव सेम है, तो वो अनलॉफुल कैसे बनेगा? आगे डिफाइन किया गया है सेक्शन 141 में सात उन्होंने बताए हैं जी तरीके, सात एसेंशियल्स होने चाहिए, सात या सात में से कोई सा भी एक हो जाए अगर सात में से, तो वो अगर ऑब्जेक्ट उनका है असेंबली का, तो वो अनलॉफुल में इंक्लूड होगा। क्या है वो जो हम बोल रहे हैं, क्या फीचर्स हैं, या क्या वो इंक्लूड किए गए हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, सात पर्पस कौन कौन से हैं? तो पहला सबसे जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि दिखाना क्रिमिनल ऑफेंस को, क्रिमिनल फोर्स को, या फिर क्रिमिनल फोर्स को यूज करना अगेंस्ट पार्लियामेंट, या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अगेंस्ट, या फिर पब्लिक सर्वेंट जो कि अपने काम कर रहा है, वो पावर अपनी इस्तेमाल कर रहा है, उसके पावर को इस्तेमाल करते हुए, उसकी ड्यूटी के करते हुए उसके ऊपर क्रिमिनल फोर्स को अप्लाई करना, उसको या फिर क्रिमिनल फोर्स शो करना आ जाता है किसमें? अनलॉफुल असेंबली में। यानी कि पांच से ज्यादा लोग अगर क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल करते हैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट, किसी भी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर यूनियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन गवर्नमेंट, या फिर किस पार्लियामेंट के अगेंस्ट, या स्टेट लेजिस्लेचर्स के, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेचर के अगेंस्ट, या जो पर्टिकुलर पब्लिक सर्वेंट है एक्स वाई जेड अपना काम कर रहा है, अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसकी ड्यूटी में क्रिमिनल फोर्स उसको दिखाना,
ठीक है, तो ये आ जाएगा किसमें, अनलॉफुल असेंबली। क्रिमिनल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं वर्ड आपको बार बार बता रही हूँ, क्रिमिनल फोर्स इसमें इस्तेमाल हो रहा है। और क्रिमिनल फोर्स जो कि हमने डिफाइन किया है सेक्शन 350 में, आप जाकर के मेरी वीडियोज हैं उस पर फोर्स और क्रिमिनल फोर्स, जिसका कि नीचे मैंने दिया हुआ है आपको लिंक, आप वह जाकर के उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं कि क्रिमिनल फोर्स और फोर्स क्या होता है। तो ये हमने बात कर रहे हैं कि क्रिमिनल फोर्स, पहली चीज तो आ गया पब्लिक सर्वेंट पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के अगेंस्ट। दूसरी चीज आ रही है, आती है कि एक पर्सन है, से ए है, तो ए का अगर कोई भी राइट है किसी भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उस राइट को खत्म करने के लिए अगर असेंबली हो रही है या इसकी, ताकि अपनी प्रॉपर्टी को इस्तेमाल ना कर सके, या ए एक पर्सन है और ज्यादा भी हो सकते हैं, वो प्रॉपर्टी के राइट को इन्फ्रिंजमेंट करने के लिए, खराब करने के लिए, हथियाने के लिए भी अगर असेंबली हो रही है तो भी आ जाएगा अनलॉफुल असेंबली में। तीसरा पार्ट आता है मिसचीफ करने के लिए, शरारत करने के लिए, और इसके अलावा क्रिमिनल ट्रेसपास करने के लिए या कोई और ऑफेंस करने के लिए अगर असेंबली हो रही है तो वो भी अनलॉफुल असेंबली में आ जाता है। चौथा पार्ट आता है एक पर्सन है, उसका राइट अगर एंजॉयमेंट, उसके राइट को अपना इस्तेमाल ना कर पाए, ऐसा उस बाधा क्रिएट करने के लिए, प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए अगर असेंबली हो रही है तो वो भी अनलॉफुल है। जैसे ए है, इसका कोई राइट है वाटर पानी का यूज करने का राइट है, या रास्ते आने जाने के रास्ते पे अगर किसका अधिकार है, तो अगर एक असेंबली जो है उस पर्सन को या एक उस पर्सन को या उससे ज्यादा, एक से ज्यादा पर्सन को प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है राइट के लिए, उसके राइट को इन्फ्रिंजमेंट करने के लिए, तो वो भी अनलॉफुल असेंबली में आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है, इसके बाद हम बात करते हैं एक पर्सन है उसके राइट को या तो छीनने के लिए या फिर उसके राइट को दबाने के लिए, खत्म करने के लिए अगर असेंबली की जा रही है तो वो भी अनलॉफुल असेंबली में आ जाएगा। और लास्ट, एक पर्सन को कुछ ऐसा करने के लिए फोर्स करना, क्रिमिनल फोर्स उस पर अप्लाई करना जो कि उसके अधिकार में नहीं है, जो वो नहीं करना चाहता है, पहली चीज। दूसरा, वो करना चाहता है और उसे करने नहीं दिया जा रहा, दोनों चीजें, एक पर्सन के अधिकार में है, करना चाहता है, करने नहीं दिया जा रहा, और एक पर्सन के अधिकार में नहीं है, वो करना नहीं चाहता और उसे जबरदस्ती कराया जा रहा है। तो सात ऑब्जेक्ट में से अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है असेंबली का तो वो अनलॉफुल असेंबली बन जाती है, ये सेक्शन 141 में डिफाइन किया गया है। फिर आता है सेक्शन 142, इसमें है बीइंग मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली, इसका मतलब अनलॉफुल असेंबली का मेंबर कौन होता है। अनलॉफुल असेंबली का मेंबर वो होता है जो ये जानते हुए कि इसका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, उसमें पार्टिसिपेट करता है असेंबली में, उसको बोलता है, बोला जाता है मेंबर ऑफ द असेंबली। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि एक पर्सन ने पार्टिसिपेट कर लिया अनलॉफुल असेंबली में, पार्टिसिपेट करने से पहले उसको नहीं पता था कि वो अनलॉफुल असेंबली है, तो क्या वो मेंबर अनलॉफुल असेंबली का पार्ट गिना जाएगा, क्या वो भी पनिशमेंट के लिए लायबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल होगा, अगर वो कैरी फॉरवर्ड करता है अपनी मेंबरशिप से, पांच या पांच से ज्यादा लोग खड़े हुए हैं, अनलॉफुल उनका ऑब्जेक्ट है, छठा बंदा आता है और उनको ज्वाइन करता है, ज्वाइन करने के बाद 5-10 मिनट बाद उसको ये पता चलता है कि इनका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है, इलीगल है, तो अगर उसके बावजूद भी वो उसमें कंटिन्यू करता है असेंबली में, तो वो बिल्कुल बिल्कुल लायबल होगा सेक्शन 143 पनिशमेंट के लिए। लेकिन जब उसको पता लग जाए कि इनका जो ऑब्जेक्ट है वो अनलॉफुल है और उसके बाद वो क्विट कर देता है मेंबरशिप को, तो वो अनलॉफुल के लिए, अनलॉफुल असेंबली के लिए पनिशेबल नहीं होता है। ठीक है, अब आता है सेक्शन 143 पनिशमेंट। अब पनिशमेंट क्या है अनलॉफुल असेंबली के लिए? अनलॉफुल असेंबली के लिए पनिशमेंट किया गया है 6 महीने की सजा, जेल की सजा, 6 months ऑफ इम्प्रिजनमेंट, यानी एदर डिस्क्रिप्शन अप टू 6 months, यानी कि 6 महीने तक में किसी की भी कितने भी दिन की सजा, महीने की 15 दिन की सजा हो सकती है इसके, या फिर फाइन या फिर दोनों, अगर अनलॉफुल असेंबली के लिए एक पर्सन जो है वो गिल्टी मान लिया जाता है, ऑफेंड मान लिया जाता है कि उसने किया है। फिर आता है सेक्शन 144, ज्वाइनिंग अनलॉफुल असेंबली आर्म्ड विद डेडली वेपन, यानी कि ऐसे हथियारों के साथ में अनलॉफुल असेंबली को ज्वाइन करना जिससे कि डेथ होने के चांसेस हैं पर्सन की, लोगों की,
असेंबली के लोगों की नहीं, बाहर के लोगों की डेथ होने के चांसेस हैं या असेंबली के लोगों की भी अगर है और ऐसे वेपन ऐसे हथियार हैं उसमें मेंबर्स के पास में और कोई बंदा पाया जाता है ऐसे हथियार के साथ में, तो उसकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ जाती है और वो पनिशमेंट हो जाती है 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 145, joining or continuing in unlawful assembly knowing it has been commanded to disperse, यानी कि अगर ऐसी unlawful assembly की सूचना information मिल जाती है पुलिस को और वो उसको disperse करने के लिए announcement करते हैं, order आ जाते हैं, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं, assembly का part बने रहते हैं, तो उसके लिए क्या punishment है? उसके लिए punishment है 2 साल तक की सजा या फिर fine या फिर दोनों। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, section 145 हो गया हमारा ये, उसके बाद हम पार्ट बात करते हैं, ये हमने अनलॉफुल असेंबली के बारे में पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे राइट्स के बारे में। राइटिंग सेक्शन 146 में जो कि डिफाइन किया गया दंगे होते हैं, तो अब दंगे क्या होते हैं? अनलॉफुल असेंबली, पहली चीज तो कंडीशन इसमें है अनलॉफुल असेंबली है। दूसरी चीज कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि अनलॉफुल असेंबली जब फोर्स या वॉयलेंस का इस्तेमाल करती है तो वो आ जाता है राइट। ध्यान देने वाली बात, पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि उसमें पांच से ज्यादा लोग हैं, पहली कंडीशन। दूसरी, उनका जो ऑब्जेक्ट है सबका सेम है। तीसरा, वो ऑब्जेक्ट कैसा है? जो 7 कंडीशन हम डिफाइन कर चुके हैं, उन 7 कंडीशन में से एक है, यानी कि अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। और चौथा कंडीशन क्या है? चौथी कंडीशन ये है, ये फोर्स यूज कर रहे हैं जो कि हमने अब डिफाइन किया हुआ है ऑलरेडी सेक्शन 349 में, या तो फोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर इस्तेमाल कर रहे हैं वॉयलेंस। किसके लिए? खतरा पहुंचाने के लिए, पीस के लिए, शांति के खतरा पहुंचाने के लिए जो भी यूज कर रहे हैं उनको हमने बोला है राइट्स, यानी कि दंगे। अब आ जाता है पनिशमेंट फॉर राइटिंग। दंगे का पनिशमेंट क्या है? दंगों का पनिशमेंट होता है, सेक्शन 147 में डिफाइन किया गया है पनिशमेंट दोनों। अब आ जाता है एवरी मेंबर ऑफ असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस, एवरी मेंबर ऑफ अनलॉफुल असेंबली गिल्टी ऑफ ऑफेंस। यस, सेक्शन 149 ये बोल रहा है कि अगर 5 या 5 से ज्यादा लोग खड़े हैं और उसमें से एक ने काम कर दिया, जो कि ऑब्जेक्ट हम 7 ऑब्जेक्ट मेंशन किए हैं, उस 7 में से एक बंदे ने काम करा है, असेंबली के पार्ट 5ों हैं, तो भले ही एक ने किया हो लेकिन सब मेंबर तो थे ना, सभी के सभी इक्वली गिल्टी हैं, अपराधी हैं। हायरिंग ऑफ पर्सन टू ज्वाइन अनलॉफुल असेंबली, सेक्शन 150 ये बोल रहा है क्या कि अगर एक पर्सन ए है, वो खुद नहीं मेंबर बन रहा अनलॉफुल असेंबली का बल्कि किसी और को हायर कर रहा है, रिक्रूट कर रहा है मेंबर बनने के लिए अनलॉफुल असेंबली का, तो वो भी इक्वली गुनहगार है, इक्वली गिल्टी है, जैसा कि एक मेंबर और उसको भी सजा जो मिलेगी वो सेक्शन 143 के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। अब आता है सेक्शन 151, ये बोलता है नोइंगली जॉइनिंग और कंटिन्यूइंग इन द असेंबली ऑफ 5 or more पर्सन आफ्टर इट हैज बीन कमांडेड टू डिस्पर्स। यहाँ एक बात है, 145 में डिफाइन किया गया अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कमांड दी गई, और यहाँ पे असेंबली को, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या, 5 या 5 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं उनका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल बिल्कुल नहीं हो सकता, ऐसा है, लेकिन अगर उनको डिस्पर्स करने के लिए कमांड दे दी गई है उसके बावजूद भी वो क्या कर रहे हैं, उसके बाद भी डिस्पर्स नहीं हो रहे हैं, तो उसको जो पनिशमेंट जो मिलने वाली है वो पनिशमेंट मिलेगी 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। और अगर वो अनलॉफुल असेंबली है, तो हमने बात करी ली कि अनलॉफुल असेंबली को डिस्पर्स करने के लिए कहा गया तो नहीं हो रहे हैं, तो 2 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। 2 डिफाइन करता है असोल्टिंग और अब्स्ट्रक्टिंग पब्लिक सर्वेंट व्हेन सप्रेसिंग राइट एटसेट्रा, यानी कि पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी क्या है, उसकी राइट को सप्रेस, दंगों को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी पावर इस्तेमाल कर रहा है या किसी भी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, और अगर उसको एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन कोशिश करते हैं उसके अगेंस्ट खड़े होने की, अजोल्ट करते हैं, अजोल्ट का मतलब हमने पढ़ा था क्रिमिनल फोर्स और फोर्स में और अजोल्ट में, कि जेस्चर बनाना या प्रिपरेशन करना कि आपके ऊपर जो है क्रिमिनल फोर्स अप्लाई होने वाला है, इस तरह से अगर कोई पर्सन कर रहा है या मोर देन 1 पर्सन कर रहे हैं
तो वो क्या कर रहे हैं, वो गिल्टी है, अपराधी है, किस चीज के, पनिशमेंट के, जो कि जाती है 3 साल तक की सजा में या फिर फाइन या फिर दोनों। तो सेक्शन 152 कि आप रोक नहीं सकते, अगर कोई दंगों को कंट्रोल करने के लिए कोशिश कर रहा है तो उसके केस खिलाफ क्या होगा, उसके खिलाफ मुकदमा चलेगा, और मुकदमा जो होगा उसकी सजा कहाँ तक जाएगी, 3 साल तक की सजा में या फिर फाइन में या फिर दोनों। सेक्शन 153 पर बढ़े उससे पहले आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो तो सब्सक्रिप्शन का रेड कलर का बटन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एकदम फ्री है, और बेल का आइकन जो है वो भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको आने वाले जो वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन मिलते रहें। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक का बटन प्रेस करके इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें क्या आपको पसंद नहीं आया। अगर आप डिसलाइक का बटन अगर आप प्रेस कर रहे हैं तो उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, तो अगर आप डिसलाइक ना ही आपको कोई फ़ायदा होने वाला है तो अगर आप डिसलाइक का बटन प्रेस करें उससे अच्छा आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के आप कमेंट कर दीजिए कि आपको ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी है और मैं आगे से उसका इम्प्रूवमेंट कर सकूं। लेकिन डिसलाइक का बटन दबाने मात्र से, जो कि लाइक का बटन करने से और कमेंट करने से बहुत ज़्यादा आसान है, उससे आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी और जो लोग आगे वीडियो देखेंगे उनकी प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं होगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल नोट टू डिसलाइक वीडियो रेदर टू कमेंट, ताकि पता लगे कि क्या मेरी में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो दिस इज ऑल, अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 153। तो इसमें क्या है, वैलनली गिविंग प्रोवोकेशन विद इंटेंट टू कॉज राइट इफ राइटिंग बी कमिटेड एंड इफ नॉट कमिटेड, दोनों चीजें हैं, एक वर्ड इसमें इस्तेमाल किया प्रोवोकेशन, यानी राइट के लिए, दंगों के लिए अगर प्रोवोकेशन किया जा रहा है किसको, अनलॉफुल असेंबली को, तो अगर रायट हो जाता है प्रोवोकेशन के बाद तो उसका पनिशमेंट क्या है, और अगर रायट नहीं होता तो उसका पनिशमेंट क्या है। रायट हो जाता है, दंगा हो जाता है, तो सजा जो है वो 1 साल तक की है या फिर फाइन या फिर दोनों, और दंगा नहीं होता, प्रोवोकेशन किया गया है, साबित हो जाता है, तो उसके लिए जो सजा होगी वो 6 महीने तक की होगी या फिर फाइन होगा। आगे आता है सेक्शन 153A जो बोलता है प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स, ध्यान देगा बिटवीन डिफरेंट ग्रुप, जितना भी अभी आप पढ़े हैं ना, सबसे ज्यादा पनिशमेंट इसी इस 153A में और 153B में ही है। क्या बोल रहा है, प्रमोटिंग एनिमिटी बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पे, जगह के, प्लेस ऑफ बर्थ, जन्मभूमि के नाम पे, या जगह रहने के स्थान के नाम पे, भाषा के वजह से, अगर किसी भी तरीके से प्रोवोक किया जा रहा है या इस तरह से, ताकि जो पब्लिक हार्मनी है या फिर पब्लिक जो ट्रैंक्विलिटी है, सद्भावना जो है, उसको खतरा पहुंच रहा है, इस तरह के दंगा किया जा रहा है, इस तरह की शत्रुता बनाई बढ़ाई जा रही है, ऐसा कुछ काम किया जा रहा है और एक गिल्टी मान लिया जाता है अनलॉफुल असेंबली को इस चीज के लिए, इस ऑफेंस के लिए, तो उसका जो पनिशमेंट होगा वो 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों है। ये तो सेक्शन 153A का सबसेक्शन 1 बोलता है, और सबसेक्शन 2 ये बोलता है कि अगर यही काम अगर पूजा वर्शिपिंग के स्थान पर हो रहा है, यानी कि किसी रिलीजियस प्लेस पर हो रहा है ये काम, तो उसका जो पनिशमेंट जो होता है वो बढ़ जा रहा है। क्या उसका पनिशमेंट हो रहा है, 5 साल तक की सजा और साथ में फाइन, और फाइन नहीं, साथ में फाइन है। अब आगे चलते हैं, सेक्शन 153B बोलता है इम्पिटेशन असर्शंस प्रेजुडिशियल टू नेशनल इंटीग्रेशन, यानी वर्ड्स स्पोकन, बोल करके, लिख करके या फिर अपने जेस्टर से कुछ ऐसा करना जिससे नेशनल इंटीग्रेशन को खतरा पहुंचता है या उसके लिए अनलॉफुल असेंबली की जा रही है, तो उसके लिए सेम पनिशमेंट है जो 153A सबसेक्शन 1 में था, यानी कि 3 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। और अगर यही काम सबसेक्शन बी बोलता है 153B का वर्शिपिंग प्लेस पे होता है, तो उसके लिए सजा सेम है जो सेक्शन 153AB में थी, सबसेक्शन 2 में थी। क्या थी वो, 5 साल तक की सजा और साथ ही साथ फाइन भी इसमें जुड़ा हुआ था। अब हम बात करें सेक्शन 154 की जो बोल रहे हैं ओनर और ऑक्यूपायर ऑफ लैंड, किस चीज का, ऑन विच अनलॉफुल असेंबली इज हेल्ड, यानी कि एक ओनर
एक प्लेस है, जगह है जहां पर अनलॉफुल असेंबली हुई, तो जो उसका ओनर है या जो ऑक्यूपायर है उन दोनों का कितना ज्यादा बोलना चाहिए, एक ऑफेंस में पार्टिसिपेशन गिना जाएगा। एक्चुअल में ये बात अगर मैं बात करूँ, दो वर्ड है ओनर और ऑक्यूपायर, यू मे भी मतलब क्वाइट बिट कंफ्यूज कि ऑक्यूपायर और ओनर में क्या डिफरेंस है। ओनर तो पता ही है जिसकी जमीन है, मालिक है जो जमीन का, ऑक्यूपायर क्या है, जरूरी नहीं है कि वो ओनर भी हो। ऑक्यूपायर क्या हो सकता है, वो मैनेजमेंट देख रहा हो उस जमीन का, या फिर उसको हायर किया गया है उसके जमीन की देखभाल करने के लिए, तो वो भी किस में आ जाता है, वो भी लायबल होगा अगर उस प्लेस पे अनलॉफुल असेंबली होती है। कैसे लायबल होगा, अगर उसको पता था कि ये जो असेंबली हो रही है वो अनलॉफुल है और उसके बावजूद भी उसने नियर बाय पुलिस स्टेशन में इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है, तो वो गिल्टी होगा। लेकिन अगर उसको पता लगने के बाद उसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी नियर बाय पुलिस स्टेशन में, तो वो गिल्टी नहीं माना जाएगा, और अगर गिल्टी है तो वो 1,000 रुपए तक का उसका फाइन होगा। फिर 155 लाइबिलिटी ऑफ persons फॉर हूज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, जिसके फायदे के लिए दंगा हुआ उसकी क्या लाइबिलिटी है, उसकी भी जिम्मेदारी है, उसकी लाइबिलिटी है, उसको फाइन देना पड़ेगा, ठीक है, इतना ही उसकी जिम्मेदारी कि उसको फाइन देना पड़ेगा। फिर लाइबिलिटी ऑफ एजेंट ऑफ ओनर और ऑक्यूपायर फॉर हूज बेनिफिट राइट इज कमिटेड, इन दोनों सेक्शंस में है कि जिस बंदे के लिए हो रहा है राइट, जिसके फायदे के लिए हुआ, या फिर जो जो ओनर या ऑक्यूपायर है जिसके बेनिफिट के लिए हुआ, अगर उनको पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है और उन्होंने इन्फॉर्मेशन पुलिस स्टेशन में प्रोवाइड कर दी, तो वो बच जाएंगे, और अगर नहीं करी है तो फाइन के लिए वो एलिजिबल होंगे, फाइन के लिए वो गिल्टी होंगे, फाइन उन्हें पे करना पड़ेगा, पनिशेबल होंगे वो। फिर आता है 157 हार्बरिंग persons hired for an unlawful assembly। हार्बरिंग का क्या मतलब हुआ, हार्बरिंग का मतलब होता है शरण में देना, यानी कि एक पर्सन को जिसको कि मान लिया गया कि इसको हायर किया गया था अनलॉफुल असेंबली के लिए, या एक पार्ट था वो अनलॉफुल असेंबली का मेंबर था, उसके बावजूद जानने के बावजूद भी उसको अगर हार्बर किया जाता है, उसको शरण दी जाती है घर में या किसी और जगह में, जो पर्सन देता है उसको उसको भी पनिशमेंट मिलेगा, क्या 6 महीने तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों। ध्यान रखिएगा, अगर उसको पता था कि वो अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है और उसके बावजूद भी उसने हार्बरिंग किया, शरण दी उस बंदे को, तो वो पनिशमेंट मिलेगा उसको। अगर उसको पता होने के बाद उसने इन्फॉर्मेशन पुलिस को प्रोवाइड कर दी, तो फिर वो पनिशमेंट के लिए बोलना चाहिए पनिशमेंट या पनिशेबल नहीं होगा वो। फिर आता है बींग हायर टू टेक पार्ट इन एन अनलॉफुल असेंबली और राइट, जो अगर हायर किया गया किसी पर्सन को अनलॉफुल असेंबली या राइट का पार्ट होने के लिए, इसके लिए भी सेम पनिशमेंट होगी जो सेक्शन 143 में बींग मेंबर, जो कि सेक्शन 142 में डिफाइन किया गया कि पनिशमेंट मिलनी थी, सेम पनिशमेंट उसको यहाँ पर मिलेगी। अगर राइट किया है, दंगा किया है, तो उसके लिए पनिशमेंट मिलेगी जो हमने राइट के लिए दिया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है पनिशमेंट, और जो अगर ये अनलॉफुल असेंबली का पार्ट है तो उसको 143 के अकॉर्डिंग पनिशमेंट मिलेगा। फिर आता है एफरे, जो एफरे होता है दैट इज व्हाट कल है, यानी कि यहाँ पर अगर अनलॉफुल असेंबली और राइट को आप भूल जाइए, 5 से ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं, 2 लोग होंगे तो भी एफरे हो जाएगा, यानी कि पब्लिक प्लेस पर 2 लोग आपस में झगड़ा करने लगे जिससे पब्लिक पीस सार्वजनिक शांति भंग होने का खतरा है या हो गई है भंग, तो उसके केस में उन दोनों को पनिशमेंट मिलेगा कि क्या 1 महीने तक की सजा या 100 रुपए तक का फाइन या दोनों। तो ये हमने पढ़ लिया पब्लिक ट्रैंक्विलिटी या सार्वजनिक शांति के जो भी ऑफेंस होते हैं वो हमने पढ़ लिए हैं सेशन 140 से लेकर के 160 तक। और इसमें आपको अगर नोट्स चाहिए तो आप फेसबुक में मेरा जो पेज है वहाँ जाकर के आप नोट्स ले सकते हैं। तो अगर आपको अच्छी लगती है क्लास, अगेन आई वुड रिक्वेस्ट यू पीपल डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।